नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो में फिर से हम लोग एक्सेल के बहुत ही अच्छा और बेसिक फॉर्मूला को जानेंगे, स्टेटमेंट के बारे में। लॉजिकल स्टेटमेंट यानी कि ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं रवि आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर से देखिए, मैं आपको एक टेबल आपके साथ लेकर आया हूँ शेयर करने के लिए, और इस टेबल पर हम लोग एक लॉजिकल स्टेटमेंट का जो बेसिक है वो जानेंगे। बहुत सारे लोग ये फार्मूला लिखने के बाद अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस करने लगते हैं, जैसे कि एक्सेल के स्टार हो गए हो इस तरह से। तो हमें इस एक्सेल का स्टार बनने के लिए, यानी एक्सेल में हमें एडवांस चीज़ें जानने के लिए, पहले तो हमें लॉजिकल स्टेटमेंट की बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तभी हम इफ एंड और जो भी हमारा लॉजिकल फॉर्मूला है, फंक्शन है, उस पर काम कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक लॉजिकल स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था काउंट और काउंट ए के बारे में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख ले, जिससे आपको छोटी छोटी बेसिक चीजें मजबूत होती जाए। आज की वीडियो में यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। और भी ज़्यादा डिटेल जानकारी अगर आपको जानना है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट करके वीडियो देख सकते हैं, या फिर हमारे ब्लॉग पर विजिट कर करके, जिसका लिंक आपको यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा होगा, उस पर विजिट करके आप जा करके ट्यूटोरियल को समझ सकते हैं, ब्लॉग को पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। जितने भी वीडियोज मैं बनाता हूँ सबकी ब्लॉग मैं अपने ब्लॉग पर जाकर के पोस्ट जरूर डालता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम ये पता करना चाहते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, और एक सवाल पूछते हैं किससे, इसी सॉफ्टवेयर से। इक्वल यहाँ लिखते हैं, आपको पता होगा फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हमें इक्वल का इस्तेमाल करना पड़ता है। इक्वल लिखते हैं, अब इस सेल पर क्लिक करते हैं। क्लिक कर लेने के बाद में पूछते हैं क्या इस सेल का वैल्यू, यानी किसकी सैलरी जो है, क्या 25,000 से ज्यादा है। अब जैसे ही यहाँ पर एंटर हिट करेंगे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग खुद समझ लेते हैं, मैं इससे ये पूछ रहा हूँ कि आप बताओ कि इसकी सैलरी जो है क्या 25,000 से ज्यादा है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसकी सैलरी 20,000 ही है। अब मैंने फॉर्मूला लिखा कि D5 यानी इस सेल में जो वैल्यू है क्या वो 25,000 से ज्यादा है। एंटर हिट करते हैं तो यहाँ पर लिखा आ रहा है फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 25,000 से इसकी सैलरी कम है। अभी आगे चेक करने के लिए हम लोग इसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पर भी दिख रहा है ये फॉल्स है। फिर से आगे चेक करने के लिए इसी को क्लिक करके हम लोग पूरा ड्रैग कर लेते हैं, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये ट्रू आ गया, ये फॉल्स आ गया, और ये ट्रू आ गया। इट मीन्स जिसकी सैलरी 25,000 से ज्यादा थी क्या हुआ, वो उसकी सैलरी यहाँ पर ट्रू, और जिसकी सैलरी 25,000 से कम थी उसका रिजल्ट यहाँ पर फॉल्स में दिख रहा है। ये हमारा था एक लॉजिकल स्टेटमेंट जो हम कैसे लिखेंगे। अभी यहाँ पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये जानना होगा कि ट्रू मीन्स, ट्रू का मतलब क्या होता है और फॉल्स का मतलब क्या होता है। ट्रू का मतलब डिजिटल में 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। यानी कि ये ट्रू का मतलब हमारा कंप्यूटर 1 समझता है और फॉल्स का मतलब 0 समझता है। तो यदि हम यहाँ पर देखें कि एक चीज मैं आपको ये करके बता रहा हूं, इक्वल इस सेल को क्लिक करा और प्लस कर दिया, प्लस कर दिया, और ये वाला सेल, और एंटर हिट कर दिया, तो यहां पर आप सोच रहे होंगे कि मैं दो टेक्स्ट को ऐड करना चाह रहा हूं। तो बिल्कुल नहीं, यहां पर टेक्स्ट ऐड नहीं हो रहा है, यहां पर स्टेटमेंट का जो फॉल्स और ट्रू वाला पार्ट है मैं उसे ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर ये जीरो आया। जीरो क्यों आया, कि फॉल्स का मतलब मैंने आपको जीरो बताया, तो जीरो प्लस जीरो मैंने किया यानी कि जीरो। अभी यदि आपको फिर से इसे देखना है तो मैं इक्वल करता हूं,
यानी इस सेल को क्लिक किया और यहां से प्लस और इस सेल को क्लिक किया, अभी मैं एक फॉल्स को और एक ट्रू को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि जीरो और वन को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पर एंटर हिट करेंगे तो क्या आएगा, वन, यानी कि जीरो और प्लस वन क्या आता है, वन आता है। यहां पर आप समझ रहे होंगे कि फॉल्स और ट्रू का मतलब क्या है, ये फॉल्स और ट्रू का मतलब जीरो और वन होता है, और इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल से आगे जानेंगे। यदि इसी चीज को हम यहां पर देखना चाहें कि इक्वल ये वाला, अब हम टेक्स्ट पर भी इसे लागू कर सकते हैं। मैंने सेल को सिलेक्ट किया, फिर यहां से लिखा ये वाला इक्वल, अब मुझे टेक्स्ट लिखना है तो मुझे डबल कोटेशन का इस्तेमाल करना होगा, और यहां पर लिखा कि डीओपी, क्या ये वाला सेल जो है हमारा डीओपी के इक्वल है, तो यहां से एंटर हिट किया, अभी आया ट्रू। यदि मैं इसे नीचे ड्रैग करता हूं तो बाकी सब फॉल्स और फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो ये हम टेक्स्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं और नंबर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप सीख पाए होंगे कि लॉजिकल स्टेटमेंट कैसे तैयार होता है और लॉजिकल स्टेटमेंट पे हम लोग काम कैसे करेंगे। इसी वीडियो को बेस मानते हुए हम लोग आगे इफ एंड और ये सारे जो लॉजिकल फंक्शन है उसे हम लोग सीखेंगे। तो आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा ब्लॉग विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका कोई डाउट हो कमेंट जरूर करें और हमें ईमेल करके अपने सवाल जरूर पूछ सकते हैं। सबका लिंक आपको वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बने रहे स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल के साथ।